नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस स्पेशल मॉक टेस्ट में। हम लगातार लगे हुए हैं बेहतरीन से बेहतरीन वैरायटी आपको कराने के लिए, ठीक है। जो मॉक्स हैं वो मैंने आपसे बोला एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हूबहू बने गए हैं। तो आज बारी है मॉक टेस्ट 6 की। हम ना केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, हम ये भी सीख रहे हैं कि पेपर में कैसा सोल्यूशन, कैसी अप्रोच बच्चे की रहनी चाहिए। मेरे 5 सिलेक्शन के एक्सपीरियंस थे, 5 मेंस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस थे, मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। और ये ना तजुर्बा है, देखिए, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मेंस देना और मेंस क्रैक करने में फ़र्क है, ठीक है। तब आप मेंस क्रैक करेंगे, वाकई में आपके अंदर वो चीज़ें होंगी जो वाकई में किसी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जिसे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 6 मॉक टेस्ट में हम आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 99, 99, 99, 11 से लेके 67 तक। अगर मैं 68 तक देखूं, 68 तक, तो 34 नंबर ऑड होते हैं, 34 होते हैं इवन, ठीक है, 68 तक, ठीक है। तो 67 तक भी कितने ऑड हो गए, 34 ऑड हो गए। और 1 से लेके 10 तक में 5 ऑड हो गए, तो नंबर बचे 29। यानी 29 नंबर आने वाले हैं। 99 × 29, ये अलग से लिखता हूं मैं, प्लस बटा 99, और 11 से लेके 67 तक, तो n अपॉन 2 ए प्लस एल, 11 प्लस 67 यानी 78, 78 काटते हैं ये 2, 39, 3 से काटते हैं 33, 3 से काटते हैं 13, ठीक है, ये आ गया। नीचे तो 33 आएगा, ऊपर क्या आएगा ये देखना है। ये 0 हो गया, इसके अंकों का योग हो गया 8, तो ऊपर वाला जो नंबर आएगा उसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। ये तो नहीं नज़र आ रहा, ये भी नज़र नहीं आ रहा, ये भी 8 है और ये भी 8 है, बात नहीं बनी मेरी, ठीक है। पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक, पूरा ही मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं पूरा कैसे कैलकुलेट होगा। 29 × 99 × 33 प्लस 29 × 13, ये सॉल्व करना पड़ेगा, और नीचे है 33, ठीक है। 29 से भी भाग होगा, क्या मैं 29 से भाग करा सकता हूँ? 29 × 87 बचा 8, 29 × 58 बचा 23, 232, ये 29 से भाग हो रहा है, ये नहीं होगा फिर। 87, 7, 94 और 29 × 58 बचा 142, 29 से भाग नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 29 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली मैंने, पूरी कैलकुलेशन से तो आसानी है कि मैं यही चीज़ कैलकुलेट कर लूँ और इसी से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर जब मैं करूँगा, 2 × 4, 4 × 5 = 20, ए की जगह 20 आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2, बी की जगह 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, सी की जगह क्या आएगा, 2√10, पर 2√10 आएगा किसका, प्लस का या माइनस का है, तो सी की वैल्यू आएगी −2√10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2√10 × 2√10 यानी 20 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 46। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 46 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, नीचे ए माइनस बी है, तो आंसर में क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर कितना हो गया, 20 हो गया, 20 लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर कितना हो गया, √2² यानी 2 हो गया, 2 × 3 = 6 लिख दिया। अब प्लस ए बी आएगा, प्लस ए बी का मतलब है सी की वैल्यू नेगेटिव में हमें लेनी पड़ेगी, और नेगेटिव में कितनी लेनी पड़ेगी, 2√10, और मैं यहाँ रखता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2√10 यानी 20, तो 46 आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, 280 रुपये की एक चीज़ खरीदी पी ने, क्यू को बेची 25% फायदे पर, यानी 350 में, ठीक है, क्यू ने बेची आर को किसी प्रॉफिट पे,
आर ने बेची एस को 560 में, वो भी 40% प्रॉफिट पे, यानी 140 की वैल्यू 560 है, यानी 400 रुपये हो गया। तो आर को पड़ी थी ये 400 रुपये की, तो कितना प्रॉफिट क्यू ने बनाया, 50/350, यानी 1/7, 1/7 होता है 14.28। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 14% आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, इतना ही लिखना है जितना आपके सामने लिखा है मैंने। देखिए x की अगर मैं वैल्यू सोचूं तो ये नजर आना चाहिए आपको, तब तो ये क्वेश्चन आसान नजर आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन उल्टा सीधा नजर आएगा। ये क्या होता है, 64 का स्क्वायर होता है, और ये क्या है, 7 - 4√3, इसका उल्टा। ठीक है, तो 64 की वैल्यू कितनी हो गई, इसके नीचे 2 आ जाएगा, यानी x 7/2 और नीचे x 2√3, माइनस है तो नीचे ले आया और 2 से भाग किया तो 2√3 बचा। ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार, हूबहू मिल सकता है सेम एग्जाम में। ठीक है, पी का जो मान है वो एक्स परसेंट ज्यादा है क्यू से, ठीक है, और क्यू जो है आर से x माइनस 10% कम है, तो 100 - x - 10, यानी 110 - x। और एक और चीज बोल रहा है, p r से बड़ा है, यानी p/r > 1। अगर मैं p/r निकालता हूं तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, 100 + x / 100 - 110 - x / 100 > 1। ठीक है, > 1, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब मैं एक बात बोलता हूं आपसे, इसे सॉल्व करते हैं, अगर ये आ गया 11,110x - 10x - x² ये आ गया 10,000। ठीक है, अगर x स्क्वायर उस तरफ जाता है तो x² - 10x और ये आ गया 1,000 > 0। अगर मैं इसे देखता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए x - 5² + 25, ध्यान से देखिए, अच्छा माइनस का आएगा ना ये, +25 -1025, यानी 1025 आ गया। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ देखिए, ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यानी x - 5² (32 32 का स्क्वायर ही ले लेता हूँ, 32.24, तो x - 5 < 32 आ गया और x < 37 आ गया, तो > 37 आ रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वाली रेंज के हिसाब से हमने देख लिया कि > 37 होगा। ठीक, 10% तो सब में फिक्स ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, SI और CI का अंतर 3 साल में 20% के हिसाब से, देखिए 20% के हिसाब से 3 साल में कितना होता है, 72.8 CI जो होता है, SI कितना होता है 60, बचा 12.8 जिसकी वैल्यू दे रखी है 48। ठीक है, 12.8 की वैल्यू 48 दे रखी है, मेरे को 100 निकालना है। 72.8 कैसे आया, 10 से 12, उसका क्यूब करो 1000, उसका क्यूब करो 1728, तो 1728 के अंदर 1000 से कितना जा रहा है, 728, यानी 72.8%। ठीक है, अब ये निकालना है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आंसर क्या होगा, मुझे सीधा नजर आ रहा है सी ऑप्शन, क्योंकि ये 4 गुना तो नहीं हो सकता,
थ्री पॉइंट कुछ होने वाला है, तो थ्री पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है यहां पर। अगला देखिए, राम चांदनी चौक की गलियों में प्याज बेचता है, प्याज की आपूर्ति में हाल ही में कमी के कारण एक निश्चित मूल्य अनुबंध के कारण लागत मूल्य समान रहने के बावजूद वह अपने बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है। यानी 100 रुपए की थी मान लेते हैं, और वो एक्स में बेचता था पहले, बाद में बेच रहा है 2x में, ये सेम है उसका सीपी, और उसको ये रियलाइज हुआ कि जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, वो 3 गुना हो गया। ठीक है, अगर वो x से 2x में बेचता है तो तो पहला प्रॉफिट है ये, दूसरा प्रॉफिट है ये, और 3 गुना हो रहा है। 3x में से 2x गया, x आ गया 300 और 100 यानी 200, x की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 200 आ गई, तो इसका मतलब है पहले केस में मेरे को कितने परसेंट का फायदा था, 100% का, 100% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या इसे मैं और कोई तरीके से कर सकता हूँ, 100 ले लेते हैं, ये 200 ले लेते हैं, यहाँ 1 यूनिट का फायदा और यहाँ 3 यूनिट का फायदा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1 यूनिट का फायदा है, यहाँ 3 यूनिट का फायदा है, तो यानी जो 2 यूनिट है वो 100 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 50 के, यहाँ 50 का फायदा होगा, 100 रुपये में बेच रहा है, 50 रुपये सीपी आ जाएगा, तो 50 पे 50 यानी 100% आंसर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बढ़िया है एक्स वाले से, एक्स वाला नहीं करेंगे, ये ही कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक सॉलिड क्यूब है जिसे पिघाल कर एक क्यूबॉइड बनाया गया है शायद, और उसकी लेंथ में चेंज आया, 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज और 20% इंक्रीज, यानी 10 से 11 हो गया लेंथ, 10 से फिर 11 हो गया ब्रेथ, 10 से 8 हो गया हाइट। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, LB BH HL, LB BH, एक सेकेंड, ये तो आपका 6A² से भी निकल सकता है, पर मैं LB BH AL कर दूं तो ज़्यादा बढ़िया है, 2 मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, 6A² हो गया 600, 300 हो गया, ये LB BH HL निकाला है मैंने। अगर मैं यहाँ से देखूँ 121, फिर 88 × 2 176, तो ये आ गया आपका कितना, 297, 300 से, तो कितनी कमी हो गई, 3 की कमी हो गई, यानी 1% की कमी, 1% की कमी का मतलब है डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 LB BH HL मैंने उसी से किया है, 2 नहीं लिया, LB BH HL ले लिया। ठीक है, जब आप LB BH HL लेंगे तो पूरे क्यूब का आधा आएगा, 6A² का आधा कर दिया मैंने, 300 ले लिया। आगे देखिए, इसका मीन 69 है, तो x और y का औसत बताना है, निकल जाएगा बहुत आराम से, क्यों नहीं निकलेगा, कितनी टर्म हो गई, 5 यानी 345 माइनस 8, 7, 15 और 4, 19 और 199 का मतलब हो गया 146/2, 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का सम आ गया 146, 2 से हमने भाग किया तो उसका औसत आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु P से जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, PQ और PR डाली गई 12-12 की, ठीक है, और रेडियस तो अपने आप ही 5 आ जाएगा, आपको इसका एरिया बताना है, PQOR
तो मैं आपसे बोलता ही हूँ कि भाई दो ट्राइंगल का मतलब एक रेक्टेंगल हो गया, दो ट्राइंगल है एक जैसे 5/12 के, तो 5/12 का रेक्टेंगल ले लेते हैं, 60 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन। अगला देखिए, एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी वैल्यू का अनुपात ये है, ठीक है। वैल्यू से आप नंबर पे पहुंच सकते हैं, 30 को 1 से भाग किया, 11 को 2 से गुणा किया और 25 वाले को 4 से गुणा किया, ठीक है, ये आ गया। तो 28, 50, 80, 80 का 6 गुना 480, आपको बताना है सम ऑफ वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे कॉइन कौन से? लास्ट वाले। तो 28 × 6 करूंगा अगर मैं, तो ये कितना आ गया, 120, 168, ठीक है। तो 168 सिक्के आए हैं नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, ठीक है। और 168 अगर सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 25 पैसे के हिसाब से, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है। सम ऑफ वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 168 तो मेरा कॉइन ही आ गया, ठीक है। 25 पैसे के निकाल लेना, 1 रुपी 50 पैसे, 25 पैसे, बिल्कुल 25 पैसे के निकाल लें, 168 अगर सिक्के हैं तो 42 रुपये होगा, 210 आंसर होगा, ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है गलत आंसर जिसमें हो, तो मैं 210 लिख देता हूँ, इसे डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत है तो वैसे तो ये हमने ही गलत किया है, पर हम ये बोल सकते हैं कि पेपर में आपको गलत क्वेश्चन में मिल जाता है तो उसके हिसाब से हमने डाला है ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि गलत पेपर में मिल सकता है, ठीक है, काफ़ी बार आ जाता है गलत क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे काम करना शुरू करते हैं, हर 10 दिन बाद 5 लोग चले जाते हैं, 60 × 10, 55 × 10, 50 × 10, मुझे ये पता है कि 40 से तो ऊपर आएगा, 40 तक मैं ले गया, 45 × 10, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 2400 टोटल है, कितना काम हो गया, 6, 5, 6, 10, 16, 4, 20, यानी 200 और 10, 2100, 2100 काम हो गया, काम बचा है 300, लोग कितने हैं, अब 40 लोग आएंगे, कितने दिन में पूरा होगा, 7.5 दिन में, तो 40 और 7.5, 47.5, 47.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 47.5। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फिर एक्सपेंडिचर वाज 50 लाख इन द ईयर व्हेन इट्स प्रॉफिट परसेंट वाज हाईएस्ट, ये आ गया इस ईयर में, ठीक है। सौ यूनिट की वैल्यू अगर 50 है एक्सपेंडिचर, ठीक है, 100 यूनिट है, 30% मुनाफा, 130%, 130% कितना आ गया, 65 लाख आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ए और बी 3600 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं 600 मीटर सर्कुलर ट्रैक पर, वह पहली बार 5 मिनट के बाद मिलते हैं, 5 मिनट का मतलब हो गया 600/5 यानी 120 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। यदि बी की स्पीड 1/4 है ए से 1/4 स्पीड है, 4:1 यानी 3 की वैल्यू 120 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी,
इसकी स्पीड आ गई 40 मीटर प्रति मिनट। अब वो क्या बोलता है, 600 मीटर की सर्कुलर ट्रैक है, 3600 मीटर की रेस है, बी कितना समय लेगा पूरा करने के लिए। तो 3600 पूरी दूरी है, 40 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 90। तो 90 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2470 रुपए 7% के हिसाब से 1.5 साल के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये तो दुख तीरथ पे हाथ रखा है एक तरीके से। मतलब आप सोच रहे हो 7% है पहली बात रेट, फिर हाफ ईयरली 3.5%, और फिर 3 बार लगाना है आपको। वो 3.5% आपको 3 बार लगाना है। ठीक है, तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है वो। तो चलो इससे काम मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा कि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है। आइए देखते हैं। देखिए 3.5 अगर मैं 2 बार लगाता हूँ तो 7 + 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 12.25 और 0.125, 7.12 आ गया। फिर इसमें 3.5 लगाता हूँ और 245, ठीक है, 245 यानी 250 ही ले लेता हूँ, 250 यानी 25 का मतलब हो गया 0.25, 7 × 3 = 10, 10.8 के करीब आ गई परसेंट। ठीक है, 2470 का ऐसा मैं इसलिए भी कर पाया, देखिए ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है इसलिए डाला गया, ऐसा मैं इसलिए भी कर पाया क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर है और देखिए ऐसी वैल्यू लिखी हुई है कितनी बड़ी बड़ी सी। ठीक है, तो लगभग ही कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे इसके अंदर। 10% हो गया 247, तो मुझे कहीं ना नज़र आ रहा है 268 ये आंसर हो जाएगा, और कोई सा आंसर संभव नहीं है। 2500 भी होगा तो भी 250 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन दूर है। अगला देखिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट बताना है। ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब करता हूं 343 = 280, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy, 15 × 45xy × 7, तो ये आ गया कितना, 63, 7 से काटा 9, एक्स वाई की वैल्यू 1/5, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, और डिटेल लिखने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही कैलकुलेट करिए। अगला देखिए, एक स्फेयर का वॉल्यूम 8 गुना है दूसरे स्फेयर से, तो सरफेस एरिया बताना है आपको बिगर स्फेयर और छोटे का। तो साइड का रेशियो हो गया 2:1, सरफेस एरिया का हो गया 4:1, 4:1 आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, द हाइट ऑफ 2 ट्रीज आर एक्स एंड वाई, ये एक्स है तो ये वाई है, ये जेड है, एस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ट्री, ये आ गया एस। ठीक है, एस स्क्वायर बताना है मेरे को। देखिए ये पूरा एक्स है तो ये एक्स माइनस वाई हो गया, और मैं बोल सकता हूँ एस स्क्वायर बराबर हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। कहीं नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर नजर आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन में मिल सकता है, जरूरी नहीं है वो 30, 60, 90 पे मिले आपको। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज दिमाग खोल कर रखें। मैंने बताया था कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन के चारों ऑप्शन के आखिरी अंक अलग अलग दिखें तो आखिरी संख्या पर ही काम करिए। जैसे कि यहाँ से स्क्वायर वाला मैं निकालता हूँ तो 11 का स्क्वायर + 2 = 123 आ गया, फिर मैं निकालूंगा 123 का स्क्वायर - 2 क्योंकि प्लस वाले से प्लस वाले में आना है। तो लास्ट में 7 नजर आ रहा है मेरे को, मैं तो इससे आंसर मार्क करने वाला हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। बाई चांस कोई बच्चा बोलता सर अगर 2 ऑप्शन में 7 होता
तो मेरे भाई आप डीएस भी लगा सकते हैं, इसके अंकों का योग 9 है, 9 में से 2 गया 7, देख लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स इन 3 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो कितने केस बनते हैं, 2 की पावर n होता है तो n की जगह 3 आ जाएगा, तो 8 केस बनते हैं, और तीनों पर हेड मिले ऐसा केवल एक ही केस होता है, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे वो ऐसे भी बदल सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग से कि व्हाट इज द परसेंटेज चांस, व्हाट परसेंटेज चांस ऑफ गेटिंग ऑल हेड, और ऑप्शन में आ गया 12.5%। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है आपको, तैयार रहिए। अगला देखते हैं, ये कितना आ गया, 5 × 15 = 19/5, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ये आगे कितना, 36 में से 25 गया 11, 11/6 1 हो गया, ये मैं भूल गया, इस पे आता हूँ, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 का मतलब है 4/50। ठीक है, 4/50 का मतलब है 50/4, 5 से काटो 10 आ जाएगा, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई लग रहा है, दोबारा से देखते हैं, 5 × 15 = 19/5। ठीक है, इधर देखता हूँ मैं, 36 में से 25 गया 11 × 30 आ रहा है, अच्छा 11/30 आ रहा है ना, ये गड़बड़ कर दी हमने, 11 से 11 कटा, 6 से 5, 5 आ गया, 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 5 × 2 = 10, 10×5 = 50। ठीक है, 10×5 = 50 और 4/250 आ गया ये तो। ठीक है, तो ये 50 आ जाएगा, 50 का मतलब हो गया 2, गड़बड़ हो रही है तो क्वेश्चन में, या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ एक तो है। लिखता हूँ मैं 19/5, अंदर वाला सॉल्व करते हैं, 36 में से 25 गया 11 × 11/30, 11 से 11 कटा, 6 से कटा 30, यानी 5, 5 इधर गुणा में आ गया। ठीक है, 13×5 = 2, 5×2 = 10, 10×5 = 50, 50 का मतलब हो गया 2 × 25, 2 × 25 2/125, 125/2, तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है, मेरे को लग रहा है ऑप्शन रॉन्ग है शायद इसके। ठीक है, चेक करना और बताना, ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं मेरे को इसके कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा पहले डिवाइड होगा ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया शायद, इसलिए हो रहा होगा शायद, रुकना एक सेकंड, देखा गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ, मैंने डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, शायद यही वजह है। देखो 2 से काटेंगे 2, 13 से काटेंगे 5, 10 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 2, तो ये आ गया आपका कितना, ये कितना आ गया 2/25 इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या आया था, इंटू क्या आया था भाई, ये आया था कितना, 5, 2/25 × 5, 2/5, 19/2 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आएगा। तो गड़बड़ कर दिया था मैंने, डिवाइड पहले करना था, मल्टीप्लाई पहले कर दिया। ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया, 19/2 ही आएगा। अगला देखिए, 10θ + cot θ 4 हो गया, 10² + cot² क्या हो गया, 4² - 3 13 हो गया, 13 क्यों, 4² - 2 16 - 2 = 14 हो गया, n² - 2 नीचे वाला, cosec² sec² क्या आएगा,
देखो ये क्या होता है, ये होता है आपका वन अपॉन साइन कॉस, यानी सेक और कॉसेक, सेक कॉसेक का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, ठीक है, ये क्या होता है सेक कॉसेक होता है, सेक कॉसेक का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आएगा कितना, चार का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 में से चार गया 28, ठीक है, 14 से काटा दो, अरे 3:2 आ गया ये तो, ठीक है, ऑप्शन गलत है भाई इसके, 3:2 आएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, अपोलॉजी, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट है, 3:2 आएगा। अगला देखते हैं, रेशियो पीपल वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस टू इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में है 72 डिग्री, इंडस्ट्री में 108, 2:3 हो गया। तो कई क्वेश्चन सिंपल सिंपल हैं, कई एवरेज हैं, कई ट्रिकी हैं, वो मिक्सचर है, मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है। आगे देखिए, 25 नंबर का औसत ये है, पहले 13 नंबर और आखिरी 13 नंबर का ये है, 12वां नंबर ये है, 12वां और 13 नंबर हटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले 13 नंबर 62.8 यानी -1.2 इंटू 13 प्लस 8.2 इंटू 13, तो 13 सत्ते 91 ज़्यादा है, होना चाहिए 91 ज़्यादा, 64 और 91 हो गया कितना 155, ठीक है। अब वो बोल रहा है 12वां नंबर 61 है, 12वां और 13 नंबर निकाल दिया जाए तो शेष का बताना है कितना होगा, ठीक है, तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 12वां और 13 का टोटल कितना 91, तो 64 में से ये जो 91 का फ़र्क है बटा 23 चौक 92 होता है, 64 में से 4 गया लगभग 60, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, लगभग 60, ठीक है। 12वां और 13वीं की वजह से जो इंक्रीमेंट है वो मैंने हटा दिया, जब वो जाएगा तो वो इंक्रीमेंट लेके चला जाएगा अपना, ठीक है, तो टोटल में कितनी कमी हो जाएगी 91 की, एवरेज में कितनी कमी होगी वो मैंने निकाल ली। अगला देखिए, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्रायंगल 4, रेडियस 4 है, 3 टाइम्स द सम ऑफ 6πr² बराबर है 2 गुना 2π 4h के, पाई से कटा पाई, 4² से 4² h की वैल्यू 6 आ गई, कैपेसिटी निकालनी है πr² h, तो πr² × h 96π 96π मेरा आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भाई 5 है, ये इवन नंबर है तो 0 ही हो गया, प्लस 6 के साथ तो 6 ही बनता है, 3 के साथ 4 से भाग करो क्या बचा 2, 3 की पावर 2 यानी 9, 6 के साथ 6 ही बनता है, 9, 6, 15, 6, 21 यानी 1 आएगा लास्ट में, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 1 आएगा लास्ट में। अगला देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अपनी दुगनी क्षमता के साथ बी 4 गुना क्षमता के साथ करे तो काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बहुत कराए हैं, एफिशिएंसी में लिख देता हूँ 1 और 3, मेरे को ए की एफिशिएंसी, ए का वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसे 4 से गुणा किया, जब इसे 4 से गुणा किया, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो एफिशिएंसी भी 4 गुना हो जाएगी, और इसमें से ये घटा दूंगा, 4 में से 2 गया 2a, 2a की एफिशिएंसी आ गई 1, a की एफिशिएंसी आ गई 1/2, तो 15/1/2 यानी 30 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा
आंसर हो गया, 30 आंसर आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केस इन दिल्ली एंड कानपुर टुगेदर। दिल्ली और कानपुर ये रहा, नहीं दिल्ली और जयपुर है, तो दिल्ली और कानपुर का मतलब हो गया ये 2617 43। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केस इन मुंबई अलोन, मुंबई का है लास्ट वाला ये रहा 35। बचा कितना है 8%, 8% निकालना है मेरे को। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड हो जाइए, किस में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना केसेस इन दिल्ली एंड कानपुर। दिल्ली है ये 26 वाला, कानपुर हो गया 17, ये मुंबई हो गया 26 17 43, 43 में से 35 गया 8 आ गया। ठीक है, तो 8 × 15 यानी 12,000, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक, 12,000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड एन एंगल थीटा, ये आर ये आर ये थीटा, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलती है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वो किसके बराबर है 1/8 पाई आर स्क्वायर के, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर मैंने काट दिया, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 cos थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, और थीटा बाय 360 पाई, इसे मैं उधर ले जाता हूँ अगर, तो ये आ गया थीटा बाय 360 पाई, पाई कॉमन लिया अगर मैंने, माइनस 1/8। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए यार, कुछ इस तरीके से करते हैं, रुक जाइए, थीटा बाय 360 पाई बराबर हो गया साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस 1/8 पाई, तो ये आ गया 8 sin θ/2 कॉस थीटा बाय 2, वही चीज़ आ गई जो हमें चाहिए, क्योंकि प्लस पाई बटा 8, तो 8 इधर चला जाएगा, 8 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 45, तो पाई थीटा बाय 45, पाई थीटा बाय 45 है मेरा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फिर से आपको एग्जाम में रिपीट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, वो बोलता है ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, परिमाप ए बी सी और डी ई एफ का ये है, आपको इसका अनुपात बताना। आप ध्यान से बात समझिए, बी सी के कोरोस्पॉन्ड क्या है ई एफ, ई एफ दे रखा है, सी ए के कोरोस्पॉन्ड क्या है डी एफ, डी एफ दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हमें ये अनुपात निकालना है तो जो साइड का अनुपात है वो कितना हो गया 4:3, तो यहाँ 4, देखिए बात समझिए, ये साइड प्लस साइड है, ये भी साइड प्लस साइड है, तो अनुपात वही रहेगा 4:3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो 4+4 3+3 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी दे सकता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा ई एफ प्लस एफ डी प्लस डी ई। ठीक है, और ये परिमाप दे रखा है, परिमाप की जगह साइड का रेशो दे सकता है, तो जो साइड का रेशो है वही ये रेशो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टेस्ट, मॉक टेस्ट 6। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे, वो मैंने ठीक किए, पर बैलेंस पेपर है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में पेपर मिलने वाला है। तो क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पीडीएफ जो है सॉल्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। ठीक है,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।